हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आ गए हैं उज्जैन और यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपना नया व्लॉग। और इसके पहले मैंने एक पैकिंग वीडियो बनाई थी, बस इतना ही था। तो यहाँ से हम निकल चुके हैं नहा वहा कर चेंज करके महाकाल के दर्शन के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं आगे। तो आज मैं आपको करवाने वाली हूँ उज्जैन के दर्शन, यानी कि महाकाल के दर्शन, और वहाँ से रिलेटेड जितनी भी जगह है वहाँ हम एक्सप्लोर करेंगे। इसके अलावा हम मे भी जाएंगे ओमकारेश्वर और भी जगह जाएंगे। तो जो भी जैसे से जाते जाएंगे वैसे वैसे आपके साथ में व्लॉग शेयर होता रहेगा। तो फिलहाल ये है आपके उज्जैन के महाकाल के बाहर का मार्केट, एक छोटा सा मार्केट है ये। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोहा वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई थी, मैंने देखा काफ़ी भीड़ थी सुबह सुबह। और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, और हो सकता है मंदिर में और भी चीज़ें हो रही, दैट्स व्हाई कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ तत्काल दर्शन सुविधा केंद्र। तो ऐसे लोग जो कि लाइन में नहीं लग सकते, क्योंकि महाकाल के लिए लाइन जो लगती है ना वो बहुत ज़्यादा लंबी लगती है, तो उसके लिए आप तत्काल दर्शन के 250 रुपये दे करके आप दर्शन कर सकते हैं। और ये रहे मेरे जीजू और ये रहे मेरे हस्बैंड। तो सबको मतलब यहाँ पर टीका लग रहा है, महाकाल गए और इस तरीके का टीका लगा के अगर आपने पिक्स वगैरह नहीं करवाए तो मज़ा नहीं आती है। तो यहाँ पे ये मेरी सिस्टर भी हैं, तो हम सब यहाँ पे अच्छे से सब कुछ करके और हम यहाँ पे निकल रहे हैं दर्शन करने के लिए। और हमने भी तत्काल का ही टिकट लिया जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे साथ दो बच्चे थे, और दोनों बच्चों को लेकर के उस भीड़ में जाना मतलब हमारे लिए दिक्कत भी थी। दूसरी चीज़ हमारे पास टारगेट था कि हमें एक दिन के अंदर ही सारे दर्शन करने थे अपने कम्प्लीट, अदरवाइज वो रह जाता और सिर्फ हम महाकाल ही दर्शन कर पाते। और मुझे ये था और हम सबको ही था कि अगर हम आए हैं यहाँ पर तो हम अपने दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके जाएंगे, क्योंकि हमें ये पता था कि अगर हम एक बार आ गए बार बार इंसान नहीं आ पाता, बाकी तो मतलब छोड़ देना चाहिए बाबा जी पे कि वो हमें अगर बार बार बुलाएंगे तो हम बार बार दर्शन करने आएंगे। बट अभी फिलहाल हम ये मान के आए हैं कि हमें यहाँ पे आके दो दर्शन करने हैं। तो ये एक जो लाइन आपको ज़्यादा भीड़ वाली दिख रही है ये है उनकी जो नॉर्मल लाइन है, और ये जिसमें हम लगे थे ये थी तत्काल वालों की। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों को देखने में, बस थोड़ा सा ही गैप है। तो चलिए मंदिर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ आपको। आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा कि कोई भी मंदिर दक्षिण दिशा की तरफ में जिसका दरवाज़ा रहता हो, तो महाकाल एक ऐसा मंदिर है जो कि दक्षिण दिशा की तरफ में जिसका गेट है। और वो इसलिए क्योंकि ये जो मंदिर है वो है महाकाल काल, यानी कि मृत्यु, मृत्यु यानी कि दक्षिण दिशा में लिटाया जाना। तो आप कनेक्ट कर सकते हो इस चीज़ को कि जो महाकाल का जो मंदिर है वो दक्षिण दिशा में इसीलिए होता है। मैंने भी यहाँ पर जाकर के बहुत सारी चीज़ें सुनी तो मुझे पता चला, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सुनकर के कि क्यों ये मंदिर जो है दक्षिण दिशा की तरफ में स्थित है। तो अभी हम निकल चुके हैं दूसरे मंदिर की तरफ, जो कि महाकाल मंदिर से जैसे ही आप एग्जिट करते हो उसके लेफ्ट साइड में पड़ता है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए आप बस सीधे सीधे आप जाते जाएंगे और चौराहा मिलेगा जहाँ पर आपको ये मूर्ति मिलेगी, और उसी से जस्ट आप राइट में मुड़ोगे। सीधा आपको 2 मिनट मतलब 5 मिनट लगेगा महाकाल से वहाँ जाने में पैदल। और ये मंदिर बहुत ही सुंदर मंदिर है, और इस मंदिर का नाम है हरसिद्धि माँ का मंदिर। और ये मंदिर भी मतलब बहुत पुराना मंदिर लग रहा था देखने, और इसी से जस्ट सटा हुआ एक आई थिंक आश्रम है कुछ ऐसा है, बट वो बहुत अच्छा है, मतलब अगर रहने के पर्पज़ से आप आते तो वो भी रीज़नेबल है। और ये रहा मतलब बहुत सुंदर लग रहा मुझे ये, पता नहीं क्यों जब से मैं आई हूँ महाराष्ट्र मैंने हर एक जगह पे दिए जलाने की ये प्रथा देखी। हमारे यूपी में तो मैंने नहीं देखी थी ये चीज़ें, बट महाराष्ट्र में मैंने देखा कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा फॉलो होता है। और ये इतने सुंदर सुंदर मतलब है कि मैं क्या ही बोलूँ, क्या ही तारीफ़ करूँ इसकी। तो बाकी आज आपको मैं महाकाल की आरती भी दिखाऊँगी रात की, और कैसे आप जाते हैं तो आपको कैसे आरती मिलेगी ये भी बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और इसलिए इस वीडियो को भी ढेर सारा प्यार ज़रूर दीजिएगा ताकि आपको आगे ओमकारेश्वर और बहुत सारे ऐसे व्लॉग्स भी मिल सकें। झूला है ना, तो अभी हम लोग कर लिए महाकाल के दर्शन और अब हम लोग जा रहे हैं गढ़काली का मंदिर। और उसके अलावा और भी 2 से 4 चीजें हैं जहाँ जाना है। और ये नाम मेरा शिट्टू बिट्टू, हेलो हेलो हेलो। तो हम महाकाल की नगरी उज्जैन तो आए, बट यहाँ के शिप्रा नदी के किनारे भी नहीं बैठ पाए क्योंकि हमारा जो प्लान था वो थोड़ा सा फेल हुआ था।
और बैठने के लिए टाइम ही नहीं मिला क्योंकि हम दिन भर बहुत जगह गए, और यहाँ पर अभी हम आ गए गढ़कालिका माता मंदिर। और यहाँ पे माता की जो प्रतिमा है ना, वो देख करके तो आप खो जाओगे अगर आप माता रानी के भक्त। क्या चाहिए नाश्ते में? पहले तो क्या चाहिए? भगवान जी को पैसे चढ़ाओगे? अच्छा लो, चलो चढ़ाओ। कहाँ? यहाँ 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 वहाँ चढ़वाने जा रहा है वापस से। चढ़ा दो, जय कर लो, जय कर लो दोनों हाथ से, जय करो, जय करो। ये गुड। नेक्स्ट हम आ चुके हैं भर्तहरी गुफा, जहाँ पर ये बहुत सारे बंदर थे। और यहाँ पे थोड़े नहीं, ये तो बस आपको रास्ते में थोड़े से दिख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मतलब थे बंदर वहाँ पे। और ये यहाँ पर भी बहुत ही मतलब बोल सकते हैं हर मतलब यहाँ के मेन ना उज्जैन के कुछ ऐसे मतलब मंदिर हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और काफ़ी अच्छा मतलब मंदिर है ये भी। और यहाँ पर भी हम गए, और ये जो मोर हैं ये मैंने परचेज़ किए, बहुत प्यारे लग रहे हैं ये, कभी आपको मेरे व्लॉग में ज़रूर दिखेंगे ये मोर ऐसे बैठे हुए। और ये हैं गोरक्षनाथ, ऐसे समथिंग कुछ लिखा हुआ था कि मतलब यहाँ पे गौशाला टाइप की थी। तो ये जो भी स्टोरी है यहाँ की इसमें आप पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे राजा भर्तहरि ने अपनी तपस्या की थी और उससे रिलेटेड जो भी मतलब स्टोरी वो इसमें लिखा हुआ है, तो आप यहाँ का सब कुछ पढ़ सकते हैं। और गुफा मतलब बोल सकते हैं अंदर से बहुत ज़्यादा सक्रिय है। और मैं और मेरी सिस्टर तो वहाँ चले गए थे, बट बच्चे वगैरह सब लोग वहीं पर रुक गए थे क्योंकि सब एक साथ घुस रहे थे ना, तो उससे दिक्कत ये आ रही थी कि सांस मतलब लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो आप भी इफ़ अगर जाते हैं ना, तो मतलब कोशिश कीजिएगा जब थोड़ा सा शांति हो जाए तभी इसमें जाइएगा। बाकी गुफा में अंदर वही है लाइक थोड़ा सा मंदिर जैसा सब जगह बना चुका है, और भर्तहरि जी की प्रतिमा है, सबकी मतलब उसमें छोटी छोटी सी प्रतिमा बना रखी है और है मतलब अच्छा है, जाने के लिए अच्छा है। बाकी इसके बाहर भी एक मंदिर है, वो भी बहुत अच्छा है। तो वैसे भी आपको पता है कि उज्जैन एक नगरी ऐसी है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भगवान जी का ही वास, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ अलग और नहीं मिलेगा, सिर्फ मंदिर ही मंदिर मिलने वाले हैं। बट दिल खुश हो जाएगा यहाँ के मंदिर देख करके, क्योंकि यहाँ पर जो जिस तरीके से मंदिर बनाए गए हैं और एक एक चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं देख करके। और यहाँ पर हम आ गए हैं गायों को जो है चारा खिलाने के लिए, यहाँ पर खिलाया जा रहा था, सब खिला रहे थे, तो मैंने देखा मैंने भी जो है खिलाया है। और गाय तो ऐसे मतलब जैसे लग रहा था वेट कर रहे थे जल्दी कोई आए और यहाँ पर जल्दी से चारा दे उन्हें। और यही था क्या हुआ। तो अभी हम आ गए हैं कालिदास फैमिली ढाबा, जो कि मंदिर के जस्ट बाहर ही है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी, तो और हम भी रुके और हमने भी खाना खाया, बट खाना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। इवन वहाँ का जो वर्कर था उसने भी बोल दिया, मैम आप इतना मन ख़त्म करके क्यों खा रही हैं, क्योंकि खाना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया था। और वही बोलते ना ऊँचे दुकान फीका पकवान, यहाँ पर 180 की थाली और 150 की थाली थी आई थिंक, और दोनों ही मैं बोलूँगी वेस्टेज था। बोलते हैं अनलिमिटेड है, बट अनलिमिटेड जैसा कुछ भी खास नहीं था, ऐसा कि कोई बार बार ले इसे। तो नेक्स्ट हम आ गए काल भैरव मंदिर, जहाँ पर प्रसाद में चढ़ाया जाता है शराब। जी हाँ, चांद वाला मुकुड़ा लेके चलो ना बाजार में, चलो बाजार में, चलो बाजार में। हाँ ये रात देसी ठर्रा। तो अभी हम आ गए काल भैरव मंदिर, बहुत सारे स्ट्रगल के साथ आए हैं। आप बाहर से देख सकते हैं कि मंदिर कितना सुंदर है, बट यहाँ पर आने के लिए जो हमने स्ट्रगल किया ना कि पैर में छाले निकल आए, क्योंकि बाहर इतने ईंटे पत्थर हैं कि मतलब लिटरली पैर में छाले निकला। भीड़ तो भाई लाजवाब थी, भीड़ तो एक्सेस है, मतलब यहाँ मैंने देखा हर एक मंदिर में भीड़ एक्सेस थी। और ये जो दिया जलाने वाला है ना, आपको इसका आगे का सीन मैं दिखाने वाली हूँ, आप खुद देख के चौंक जाएंगे कि कैसे कोई बंदा खड़ा होता है और तेल वाली जगह पे ऐसे मतलब खड़ा हो रहा है, वो फिसल भी नहीं रहा और तेल भरते जा रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि शाम की आरती का टाइम हो रहा था, तो यहाँ पर दिया में जो है तेल भरा जा रहा था, और आप देख सकते हो ये सूंड जैसे बने हुए हैं और इस पर मतलब दिया रखा हुआ, और किस तरीके से वो चढ़ चढ़ के इसमें जो है तेल डाल रहे हैं। और बहुत हिम्मत मतलब चाहिए इस तरीके के स्ट्रगल के लिए, और बहुत स्ट्रगलिंग था, मुझे तो दिख रहा था, मुझे लग रहा था कैसे ये मतलब चढ़ रहे हैं, इनको जान की कोई फिक्र नहीं दिख रही थी मुझे, और अगर एक बार गिरते तो मतलब ख़त्म थी कहानी, ऐसा था।
और यहाँ पर ही रहा लंगूर बंदर जो कि पास में आता है। और यहाँ मैंने पहली बार देखा कि लंगूर बंदर जो है गुलाब का फूल वगैरह भी खाते, मैंने तो आज तक नहीं देखा था फिलहाल, बट ये फर्स्ट टाइम था जब ऐसा कुछ था। और यहाँ पर मैंने अच्छे से मंदिर में दर्शन भी किए। और नेक्स्ट हम निकल चुके हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए, और ये है दूसरी प्लेस जो कि इस मंदिर से भी आई थिंक 15 से 20 मिनट की दूरी पर था। बहुत दूर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आप देखेंगे ना उज्जैन में हर एक चीज़ सिर्फ 15-15 मिनट की दूरी है। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि आपको नेक्स्ट कितने कितने किस जगह से किस जगह जाना है नेक्स्ट आपको। जैसे से मैं गई, अगर आप भी ऐसे से जाते हैं तो आपको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। भगवान श्री कृष्ण के जो गुरु जी थे उनका ये आश्रम है, और यहाँ पर तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी देखने को और आपका दिल खुश हो जाएगा। जो कलाकृति वगैरह यहाँ पर दिखाई जाती है ना, उसको देख करके आपका दिल एकदम खुश होने वाला है। तो यहाँ पर ये तो फिलहाल मंदिर है, बाकी आगे की जो चीज़ें हैं ना वो देख करके आपका तो दिल एकदम मतलब बागबान हो जाएगा। इफ़ आप जाते हैं तो वहाँ जरूर जाइएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 विद्याएं हैं जिन्हें कि आपको इस एक छोटे से कमरे में दिखाई गई है, और ये जो कलाकारी इसमें की गई है ना बहुत सुंदर। मैंने पूरी वीडियो तो नहीं ली है, बट मैं बहुत थोड़ा सा बाहर से ले पाई हूँ, और आप देख सकते हो इतना सुंदर मतलब बनाया गया है इसको कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब पूरा का पूरा वो जो कमरा था ना वो सिर्फ इसी तरीके की कलाकारियों से भरा हुआ था पूरे तरीके से। और अब यहाँ से हम चलते हैं, ये रहा बावली। बावली के किनारे किनारे कुछ ऐसी कलाकारियाँ मतलब बनाई गई है ना कि आप सिर्फ चलते जाओगे, आपको यहाँ से देखते हुए मैं आपको बना रही जो वीडियो, आप यहाँ से देखते जाओगे इस तरीके की ऐसी बहुत सारी मतलब वर्क थे जिनको दिखाया गया था। लाइक उस टाइम पे जैसे काम जो जो किए जाते थे, लाइक पढ़ाई या मतलब लड़ना झगड़ना सोना जो भी चीज़ें सिखाई जाती थी ना आश्रम वगैरह में, तो वो सारी चीज़ों की एक मतलब अच्छी इमेज बनाई गई थी। और यहाँ पर टोटल आई थिंक 64 बनाई गई थी, बहुत बड़े में है, और आप जा सकते हैं, आपको तो मतलब दिल खुश हो जाना यहाँ पे देख करके सब चीज़ें। और आप चाहो तो वहाँ पे पिक्स वगैरह भी क्लिक करवा सकते हो। यहाँ पर हम जा रहे थे तो यहाँ पे एक ये शादी दूल्हा सब कुछ दिखने लगा, तो हमने वो भी शूट किया है। और काफ़ी मतलब दिख रहा था कि उज्जैन काफ़ी बड़ा है, बहुत छोटा नहीं। और ये 24 खंभा माता का मंदिर, और आई थिंक ये मेरे जो होटल था ना वहाँ से बहुत पास में था, बट हम यहाँ के दर्शन नहीं कर पाए थे। तो हम लोग आ गए थे रूम पे ही 7:30 बजे के अराउंड आ गए थे हम लोग, फिर थोड़ा रेस्ट किया, और अभी जो टाइमिंग हो रहा दैट इज 8:40। और यहाँ पर किसी ने हमें बताया है कि अगर आप 9 बजे तक मंदिर पहुँच जाते हैं तो रात के 10-10:30 बजे की जो आरती का टाइमिंग होता है ना आप उसमें एंट्री कर सकते हो। अगर आप 9 बजे के बाद आ जाते हैं तो आपको अंदर नहीं करते, और 9 बजे तक अगर आप एंट्री कर लिए मंदिर में तो आपको निकाला नहीं जाएगा। तो देखते हैं, अभी हम भी जा रहे ट्राई करने, देखते हैं अगर हमारा सक्सेस होगा तो आप भी अगर कभी आइए उज्जैन, और यहाँ पर रात की आरती चाहते हैं तो रात की आरती के लिए आपको जो है टाइम से अंदर जाना पड़ेगा। एक तो शाम के 6:30 बजे के करीब होती है और एक रात के 10 बजे होती है, 10:30 तक होती है। तो अभी मैं निकल रही हूँ, देखते हैं जैसा वहाँ का सीन होता है वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो अभी हम निकल गए हैं आरती लेने के लिए, बट हम टाइम से थोड़ा पहले निकल गए थे, मतलब 9 बजे हमें किसी ने बताया था इसलिए हम 9 ही बजे चले गए थे। तो हमने क्या किया, हमने दिमाग लगा और हमने वहाँ के पंडित जी से बात किया, तो उन्होंने बताया कि आप एक काम करो कि आप अंदर जाके बैठो, फिर मतलब मैं हेल्प कर दूँगा, आप अंदर चले जाना, क्योंकि अगर आप पहले ही अंदर चले जाते तो आपको तुरंत दर्शन करके बाहर भेज दिया जाता है। तो ये यहाँ पर सारे ज्योतिर्लिंग की फ़ोटोज़ वगैरह बनी हुई थी। तो अगर आप भी यहाँ पे न्यू आते हो और आपको नहीं समझ आता कि आप कैसे वहाँ की आरती कर सकते हो, तो आप 10 बजे के करीब आओ और तब अंदर जाओ, और फिर वहाँ से मत निकलो, फिर कुछ ना कुछ दिमाग लगा के आप वहीं रुक जाओ। बट अगर आप पहले चले जाते बहुत ज़्यादा तो आपको वहाँ से निकाल देते। तो हम यहाँ पे बाहर थोड़ी देर बैठे थे, फिर हमारी हेल्प एक पंडित जी ने की थी, तो हमने थोड़ा जुगाड़ लगाया और उन्होंने हमें अंदर मतलब करवा दिया था आरती में। और मैं हम सबसे जो खुशी की बात है ना, हमने सुबह की शाम की दोनों ही आरती की, तो सुबह की तो अपने एक्सपीरियंस देखी, और ये देखिए सबसे बड़े भक्त यहाँ पे गिरते पड़ते चल रहे हैं दर्शन करने के लिए।
तो यहाँ पर महाकाल की आरती स्टार्ट होने में थोड़ा सा भी टाइम था, तो मैंने थोड़ा सा शूट यहाँ का किया हुआ था। और जैसे ही ये हुआ कि भैया मतलब यहाँ पे फ़ोटो शूट नहीं करना, किसी को टोका गया था, तो फिर मैंने वहीं पे बंद कर दिया था और मैंने आरती बिल्कुल भी नहीं शूट की, क्योंकि मुझे पता है कि जो चीज़ मना है उसको नहीं करना चाहिए। बट मुझे इस बात का सिर्फ दुख है कि मैंने भस्म आरती नहीं की थी, बट मेरा दिल इतना खुश है ना कि मैंने मतलब रात की भी आरती की है, सुबह की भी की है। तो सुबह की आरती तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखेगी और आगे का भी दिखेगा। तो अभी हो गई हम लोग की आरती, बहुत बढ़िया वाली आरती मिली है, बाकी की डिटेल आपको आगे मिलेगी वीडियो में ही। तो यहाँ पर अभी हम लोग निकल रहे हैं होटल के लिए और ये रहा मेरा नीलांश, इसने भी जग की बहुत पूजा की है आज। बस 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 तो यहाँ पर करूँगी मैं अपने स्लॉग का एंड। और अभी हम वेट कर रहे हैं जीजू का, जीजू गए हमारा कुछ काम करने के लिए, तो बस चले। और ये मेरी दीदा, जल्दी से बाय कर दो। बाय बाय नहीं, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। तो ये हम सब जो चाय के चर्सी लोग हैं, रात के 11:30 बजे गए हैं चाय पीने के लिए, और यहीं पे अपने इस व्लॉग को एंड कर देंगे। बट रात के 11:30-12 बजे बाहर घूमने का जो मज़ा है वो कहीं नहीं। और नेक्स्ट व्लॉग को देखने के लिए इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को फिर से बोलूँगी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए रेडी रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव और फिर सारा प्यार दीजिए मेरे इस वीडियो को। क्या खाना है, क्या पीना है बिट्टू? नहीं।